भगवान में दम कम है, ये कहकर मंत्र पढ़ा और पानी के छींटे डालकर ईसाई बना दिया। ये आरोप आदिवासी समाज के एक परिवार ने एक चर्च के पादरी पर लगाई है। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। हिंदुवादी संगठनों ने घटना को लेकर अपना विरोध जताया है। वहीं पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। मामला हतुनिया फाटक गांव का है। पीड़ित का नाम मान सिंह है। उसने बताया कि 2 साल पहले उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वो कई डॉक्टरों से मिला लेकिन उनकी दवाइयों से उसके सेहत में कोई सुधार नहीं आया। फिर किसी ने बताया कि वो चर्च के पास्टर रेसिंग से मिले, वो उसकी समस्या दूर कर देंगे। इसके बाद वो छापरी के चर्च में पास्टर रेसिंग से मिलने गया। वहाँ पर उसने पास्टर को अपनी बीमारी के बारे में बताया। पास्टर ने कुछ जाप किया और उसे पानी पीने के लिए दिया। इसके बाद उसकी सेहत में सुधार आने लगा। इस दौरान पास्टर ने कुछ दवाएं भी खाने को दी थी। मान सिंह के मुताबिक इस घटना के 1 साल बीत जाने के बाद दोबारा पास्टर उससे उसके घर मिलने आया। मान सिंह ने बताया कि इस दौरान उसने कहा कि तुम्हारे भगवान में दम नहीं है, तुम ईसाई धर्म के भगवान की कृपा से ठीक हुए हो। फिर घर से हिंदू भगवान के कैलेंडर और मूर्ति को बाहर करवा दिया। इस दौरान पास्टर ने अपनी ओर से उसे कुछ पुस्तकें भी पढ़ने दी थी, साथ ही मदद के लिए पैसे भी दिए थे। पास्टर ने कहा कि तुम ईसाई धर्म अपना लो, तुम्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। पास्टर कहने लगा कि तुम चर्च जाओ। मान सिंह ने कहा कि पास्टर रेसिंग दोबारा बीते सोमवार को अपने परिवार के साथ उसके घर आए। उन्होंने एक धार्मिक किताब से कुछ मंत्र पढ़ा और पानी के छींटे शरीर पर मारने लगा। इसके बाद कहा कि तुम अब ईसाई धर्म अपना चुके हो। पीड़ित के मुताबिक पास्टर की बात को उसने सिरे से इनकार कर दिया और अपने संबंधी को ये बात बताई। इसके बाद उसके संबंधी ने हिंदूवादी संगठनों को सूचना दी। संगठन के लोगों ने मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है, साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है।